प्रतापगढ़ में ऑनलाइन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। महिला से गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। बीजेपी सांसद प्रतिनिधि का आरोपी भाई गिरफ्तार किया गया। अतुल पांडे के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR। पीड़िता के पति ने लगाया था गैंगरेप का आरोप। सांसद प्रतिनिधि के भाई समेत 4 लोगों पर आरोप है। प्रतापगढ़ में ऑनलाइन टीवी की खबर का असर हुआ है। महिला से गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। इस वक्त ऑनलाइन टीवी पर महिला से गैंगरेप का मामला, बीजेपी सांसद प्रतिनिधि का आरोपी भाई गिरफ्तार किया गया। अतुल पांडे के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR और अब हुई है गिरफ्तारी। लगातार इस खबर को ऑनलाइन टीवी ने उठाया था। पीड़िता के पति ने लगाया था गैंगरेप का आरोप। सांसद प्रतिनिधि के भाई समेत 4 लोगों पर आरोप लगे। शिवमोहन शुक्ला जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी शिव। जिस तरीके से आरोप लगे, सवाल ऑनलाइन टीवी ने पूछा और उसके बाद अब कार्रवाई भी अमल में आई। देखिए, बिल्कुल हुआ तो जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल में जब गैंगरेप पीड़िता को लाया गया, अभी भी माना जा रहा है कि वो बेहोशी की अवस्था से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके साथ गैंगरेप होने की बात की गई, डायल 112 को सूचना दी गई और उसके पति ने चीख चीख कर कहा कि मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ। उसने पति से भी बात किया था, रंगे हाथ भी पकड़ा था सांसद प्रतिनिधि के भाई को, उन्होंने धमकाया भी था उस दौरान, हत्या करने की भी धमकी दी थी। मौके पर पुलिस अफसर पहुंचे थे, उन्होंने भी मामले में जांच की पर भी बात करी, लेकिन महिल ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया। तो आनंद फानन में SP ने मुकदमा जरूर दर्ज कराया, लेकिन गैंग रेप का मामला ना बता करके सिर्फ रेप का मामला बताते हुए सांसद प्रतिनिधि के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और सांसद प्रतिनिधि के भाई अतुल पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया। AR9 की खबर का ही बड़ा असर हुआ कि आज सांसद प्रतिनिधि के भाई को आनंद फानन में गिरफ्तार किया गया, जबकि इस पर राजनीतिक प्रेशर बनाए जा रहे थे। तमाम फोन की घंटियां, मोबाइल की घंटियां बज रही थी अफसरों की और इतना प्रेशर बनाया जा रहा था कि मामले को मैनेज करने के लिए तमाम हद तक गुजर रहे थे पुलिस अफसर भी। अब AR9 की खबर का असर हुआ कि सांसद प्रतिनिधि का भाई जेल की सिक्सों के बीच होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अभी भी गैंग रेप के मामले को पूरी तरह से पुलिस ना मानते हुए सिर्फ रेप के मामले को मान रही, जबकि पीड़ित पति बार बार चिल्ला कर कह रहा है कि गैंग रेप हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवमोहन शुक्ला इस जानकारी के लिए। तभी तो R9 TV जब खबर दिखाता है तो उसका असर भी होता है।